साफ साफ बात है, ये देश में हमने हरी तो हम हनों के हिस्सा मिले के चाहिए कि न चाहिए, कितना देने के चाहिए चाहिए न। लेकिन हने कैसे वातावरण भारतीय झूठ पार्टी का कहला अच्छे दिन बड़ा नारा लगत रहा कि अच्छे दिन आएंगे, अब तक आई गया। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, अच्छा दिन आ गया। जब बुरा दिन रहल तो सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहल, कब रहल जब बुरा दिन रहल, अब तक अच्छा दिन आ गया ना, अब तक सस्ता हो गल होई, सरसों का तेल सस्ता भर कि ना भयल, नहीं भयल। अब आगे देखा बुरा दिन रहल अरहर का दाल 60 रुपया किलो रहल, अब अच्छा दिन आ गया। लगता बनारस में जहाँ मोदी जी जीता वहाँ फ्री में मिलेगा, जाके बोरा लेके ले लग जा। दाल गई कहाँ आप जान रहे हो, 350 में सिलेंडर गैस आप भरवाते थे जब बुरा दिन था, आज 900 पार, यही अच्छा दिन, इसी नाते हम लोग दिए थे। और मोदी जी कहते हैं देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, 26 विभाग बेच दिया, भाषण दे रहे कि देश बिकने नहीं दूंगा। अब जैसे हमारे गाड़ी का हम भाषण मारी, गाड़ी बिकने नहीं दूंगा, इंजन बेच दिया, टायर बेच दिया, चेचिस बेच दिया, स्टेयरिंग बेच दिया, वह बनी है बात। अब हम भाषण देंगे स्टेयरिंग, हम गाड़ी बिकने नहीं देंगे। साथ ही इस देश में खतरा पैदा हो गया है, पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, इस बार तूने 22 में नहीं चेता तो आने वाले दिनों में 100 साल पहले जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को बीजेपी लाना चाहती है, इसी नाते हम लोग परेशान है। पूरा निषाद के वंशजों, हमको आपको कसम लेके यहाँ से जानी पड़ेगी, हम यहाँ से जाने के बाद हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। हम तीसरा कानून, हम सरकार में थे, सरकार बारे समय बीजेपी, बीजेपी मतलब होकर दू परिभाषा बा, यूपी में भारतीय झूठ पार्टी कह रहा, बीजेपी में यूपी में बीजेपी के हम कहला भारतीय झूठ पार्टी, और जब बिहार जाइला तो वहां कहला बड़का झूठा पार्टी। हम आगे बता देते ला कैसे रोमन, इस सरकार में हमसे जो वादा भर भयल नहीं बताया, नहीं काम किया, वादा तो कर लिया, वोट तो ले लिया, इका दिया लिया के तोरे मड़ई में तोरे घरे मीटर लगा दे वहां बिजली वाला, मीटर लगा दे वहां बिजली वाला, कितना गरीबन का कनेक्शन ना था, हवा से मीटर चलाता, बिल आवाता, बिल आवाता। अरे ये योगी जी 74 पैसा यूनिट बिजली खरीदते हो और 7 रुपया यूनिट इन गरीबों को तुम बेचते हो, तुम बेचते हो, इस नाते सरकार बना लो। हम दावे के साथ कहता हूँ साथी, तेरे घरेलू बिजली का बिल, जो तेरे घर में पंखा चलता है, ट्यूबलाइट चलता है, तेरे घर में जो बल्ब जलता है, 22 में सरकार बनाओ, और 22 में सरकार बनाकर कानून बना दिया जाएगा, घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, 5 साल तुझे बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा।